परशुराम जी के चार सबसे शक्तिशाली शिष्य, जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। पहले नंबर पर मौजूद शिष्य तो खुद देवता का ही अवतार हैं। आप देख रहे हैं सनातनी हिंदू छत्तीसगढ़। तो चलिए अब करते हैं धर्म की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। रामायण और महाभारत ये दो धर्म का भय, जिसमें भगवान श्री विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार मौजूद हैं, जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष कई सारी अक्षौणी सेना धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 क्षत्रिय राजवंशियों को मार कर लिया था। और इनके इसी क्रोध को शांत करवाने के लिए स्वयं बजरंग बली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान परशुराम जी की, जिनकी शक्ति की कई गाथाएं आज भी जोश जगा देती हैं, जो 8 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी इस धरती पर विराजमान हैं। कहते हैं परशुराम जी बहुत क्रोधित स्वभाव के थे और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव का यज्ञ करने की ठान ली और महादेव से बहुत सारी शक्तियां और वरदान हासिल किया। इन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी, जिनको हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम जी के ऐसे दिग्विजय शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे, और यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो ये तीनों शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से नहीं होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 महान योद्धाओं को पूरे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। यमराज का मार्श हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। परशुराम जी के 3 महान शिष्य थे, लेकिन एक ऐसा भी शिष्य था जो भविष्य में जन्म लेगा, जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी कर रहे हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो 4 सर्वशक्तिशाली शिष्य। पहले नंबर पर मौजूद हैं भीष्म पितामह देवव्रत, जो अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए। इन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप जाती थी। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, इन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धाओं को हराया अपितु खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध किया था, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने उन्हें असंख्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तब वह हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। खुद भीष्म पितामह की शक्तियों के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था, तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आखिर कोई कैसे सूर्यदेव को ललकार सकता है, जिनसे पूरा का पूरा संसार प्रकाशमयी हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी ज्यादा थी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था और कहते हैं कि पांडवों को ही उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके कारण भी पांडवों ने उन्हें बाणों की सैया पर लेटा दिया था। और इस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद पांडवों और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी
कि यदि वो अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वे पांडवों के आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे, वो भी सिर्फ अपने हाथों के बलबूतों पर। गुरुद्रोण भी कई सारे अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे, उनमें इतना बल था कि वो अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। उन्हें भी गुरु परशुराम जी से असंख्य अस्त्रों शस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य ही तो दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान देने वाले गुरु माने जाते हैं। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था, इसमें नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब दृष्टद्युम्न ने, जो कि स्वयं पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को छल से ही मारा गया, अन्यथा इन्हें मार पाना किसी के भी वश की बात नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे शक्तिशाली शिष्य की और उनके सबसे प्रिय शिष्य की। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र महारथी दानवीर कर्ण थे। कर्ण ने भी भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। यदि वो पांडवों के पक्ष में होते तो इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षौणियों सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाणों से भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा करता था, क्योंकि उनका पालन पोषण एक सुत पुत्र के रूप में हुआ था। तब दुर्योधन ने उसके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया, जिस प्रकार कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वो बजरंग बली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 अंगुली पीछे खिसका देते थे। वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उन्होंने ऐसा किया था। अर्जुन का रथ, जिसके ध्वजा पर स्वयं बजरंग बली जी विराजमान थे और जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे, सिर्फ यही नहीं, जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था, जिसे भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वो आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को युद्ध में परास्त भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो बिना किसी आवश्यकता या सहायता के जरासंध को परास्त किया था। उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। वो जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली है और उन्हें केवल और केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण बचपन से ही सूर्यदेव के आशीर्वाद स्वरूप मिले कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देवराज इंद्र ने निकलवा लिया। अगर युद्ध के समय वो कर्ण के साथ होते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के भी वश की बात नहीं होती। लेकिन कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के पीछे एक श्राप था, जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने उन्हें दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने उन्हें झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को उनके द्वारा दिए गए विद्या को भूलने का श्राप दे दिया था। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने परशुराम जी से कई सारे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने समय समय पर उपयोग भी किया था। लेकिन अंत में वो दुर्योधन से मित्रता के कारण अधर्म की राह में चल पड़े थे, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में दुर्योधन से अपनी मित्रता नहीं तोड़ना चाहते थे और उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिसके कारण कर्ण का भी छल पूर्वक वध हो गया। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद एक भगवान होंगे, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार होंगे। हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भगवद गीता में ये वर्णित है
कि सांबल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनके गुरु और कोई नहीं बल्कि 8 चिरंजीवियों में से एक और धरती पर अभी भी मौजूद स्वयं गुरु परशुराम जी होंगे, जो उन्हें कई सारे असंख्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। कल्कि अवतार के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, ये कलयुग के अंत में स्वयं कलिपुरुष राक्षस को मारने के लिए ही भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार होगा और उनके गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। तो यही थे परशुराम जी के वो 4 सबसे पसंदीदा शिष्य। आपको इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए सनातनी हिंदू छत्तीसगढ़। जय श्री राम।